एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज से तीन दिन पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मम्मी की एक बुक आ रही थी और उस लड़की का फेशियल हुआ था, लेकिन मैं वो दिखा नहीं पाई थी क्योंकि देर हो रही थी। और मतलब ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा। वो अब मैं आज उस लड़की की शादी है और वो हमारे घर आ रही है दुल्हन बनने, ब्राइडल बनेगी। तो चलो चलते हैं, चलते हैं। नहीं, वो हमारे घर ही आएगी। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 9:01 हो रही है। वैसे तो वो ये कह रही थी कि 8 बजे आऊँगी, लेकिन 9:01 हो गई है और साफ सफाई तो कर लिया, लेकिन ये कपड़े पहन रखे हैं, इन्हें चेंज करती हूँ, दूसरे कपड़े पहनती हूँ। तो चलो करते हैं। हो चुकी हूँ मैं और बेबी आ रही है, उनका कॉल आ गया है, आने वाली है, आसपास ही है। और एक और बात पता, हमारे गांव में एक और शादी है और उनकी जो बारात आएंगी ना, वो हमारे घर में ही आएंगी, हमारे घर में ही बैठेंगे। जो बारात के लोग होंगे वो हमारे घर में ही बैठेंगे। तो वहाँ भी टेंट लगा रखा है, मतलब इतना, मतलब हल्का सा ही है लेकिन लगा रखा है। तो वो भी दिखाती हूँ और इतना वो भी आ जाएंगी। तो जब वो सज जाएंगी, मम्मी ब्राइडल बना देंगी, तब वो भी दिखाऊंगी। तो चलो, ये जो हमारे गांव में शादी है, ऊपर भी टेंट लग रहा है, ये लग रहा है। ये यहाँ पर कुर्सियाँ रखी हैं और यहाँ पर खा, यहाँ पर भी टेंट लग रहा है। और इधर करते हैं, अंधेरा सा ही हो रहा है क्योंकि अभी लाइट नहीं आई। तो ये है और वो पता नहीं कब आएगी, आने ही वाली है। बहुत देर हो चुकी है, अब तक आई नहीं, पता नहीं कब आएगी कब नहीं। वो लगभग आधे घंटे के बाद आ चुके हैं और अब इनका आई मेकअप हो रहा है। मतलब पहले मम्मी ने जो लगाना था वो लगा लिया, अब आई मेकअप हो रहा है। और ये देखो, ये इनका लहंगा है, जब पहनेंगी जब अच्छे से दिखेगा, अभी तो मैंने ऐसे ही दिखाया। तो आगे देखो क्या क्या होता है। सो एवरीवन, अभी इनका मेकअप हो चुका है, अभी इनका बन रहा है हेयर स्टाइल। और जब ये पूरी दुल्हन बन गई थी ना, तब हमने इनके फ़ोटो भी खींचे, वो भी दिखाएंगे हम आपको। और इनके जूड़े में लगेंगे गुलाब के फूल और कुछ ये फूल लगेंगे, मुझे इनका नाम नहीं पता, पता तो था लेकिन भूल गई। अब ये हो चुकी है सारी रेडी, ये रहा इनका लहंगा, बताना कैसा लगा। तो अब मैं आपको इनके फ़ोटो भी दिखाऊंगी फिर कैसी लगी है फ़ोटो में। और ये देखो मम्मी कर रही है हाय, तो बताना कमेंट में कैसी सजाई मम्मी ने। और अभी तो 3-4 बुक और हैं मम्मी की, उनमें भी सजाएंगी, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, तो उन्हें भी बताना और इन्हें भी बताओ। अब दुल्हन देख रही है शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, खुश तो ये बहुत ज़्यादा हो गई कि हाँ अच्छी लग रही हूँ अच्छी। तो चलो देखते हैं इनके फोटोज भी। एवरीवन, ये जो हमारे घर सजने आ रही थी, ये तो दूसरे गांव की है। हमारे गांव में 3-4 शादियां और हैं और एक तो इनकी है, जो जिनका हमारे घर टेंट लग रहा है, और एक वो है, एक उधर डीजे है, एक इधर है। तो सुनो आवाज़, और समझ नहीं आ रहा गाना बज रहा है, कौन सा बज रहा है, देखो आप भी अनिराना, कुछ भी समझ। जब 2 डीजे बजते हैं तो ऐसा ही होता है। और जिनका हमारे घर टेंट लगा हुआ है ना, ये वही दूल्हा है और अभी ये बैठ रहा है घोड़े पर, क्योंकि पूरी गांव की घोड़े भी तो होगी ना। तो देखो आप भी, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर हो रहा है मुझे, रात से ही हो गया था, रात मुझे नज़ला हुआ था, नज़ला जुकाम हो गया था। तो मैंने जब भी दवाई ले ली थी, एकदम ही मतलब मेरे गले में हो रहा था कि लग रहा था कि नज़ला होगा। तो जब भी दवाई ले आई थी, जब भी ले ली थी, फिर भी पता नहीं ऐसा ही रहा। और अब जाके जब सुबह उठ के देखा तो बुखार बन गया, बुखार हो रहा है बहुत तेज़। तो सो एवरीवन, ये छोटा हो ब्लॉग चाहे बड़ा हो, अब मेरे पर नहीं बनता क्योंकि परसों से एग्ज़ाम भी शुरू होंगे, फिर उनमें भी तो वो करना है। तो अब तो ये तो कल बनेगा या परसों बनेगा, लेकिन बन जाएगा। सो एवरीवन, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।